अरे हंते छिद्धि सूरी उपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी हैं। तिन को स्वरूप जाने रागते भाई जो व्यक्ति काए को नमाए ए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम्हें ही से काज सब आज भये कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। जैसी तुम्हें धारी है। सुनिज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखानी को करिय सत्ता नाश। करिय सत्ता नाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी उनके द्वारा रचित यह मुच्छमार प्रकाशक नामक ग्रंथ जो कि नौ अधिकारों में निबद्ध है यहाँ विराजमान है। इस ग्रंथ के तीसरे अधिकार के माध्यम से हम सुखी होने के उपाय पर चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में सुखी होने का क्या उपाय है, किस प्रकार यह जीव सुखी हो सकता है, किस प्रकार सुखी हुआ जाए, क्या करें ऐसा कि हम सुखी हो जाएं। उपाय तो बहुत सारे कर लिए हमने, लेकिन ऐसा क्या करें अब कि भैया इलाज तो हमने बहुत सारा करा लिया, रोग सही नहीं हो रहा है, अब कहां जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं, किस सिटी में जाएं, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा डॉक्टर इसका इलाज करेगा, कहां इलाज करवाएं, क्या इलाज लें इसका अब ये रोग सही हो जाए। बहुत इलाज करा लिया इसका सही नहीं हो रहा है। ऐसे ये संसार रूपी रोग अनंत काल बीत गया, अनादि काल से लेके अब तक इसका इलाज करते करते, लेकिन ये अनादि का रोग, ये रोग हमारा आज तक सही नहीं हुआ, इसलिए किसके पास जाएं कि भैया सर्व भगवान के पास आओ, क्या करें, कैसे ग्रहण करें उपाय को, कौन सी दवा लें इसके लिए कि ये रोग सही हो जाए। इतनी दवा लेके देख ली हमने लेकिन रोग सही नहीं हो रहा है, तो इसकी एक्चुअल दवा क्या है, उस दवा पर हम यह चर्चा कर रहे हैं। हम तीसरे अधिकार में कर्मों की अपेक्षा यह जीव किस प्रकार दुखी है उस पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसके अंदर हमने अभी तक ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी एवं अंतराय इन चार को देखा। क्लास सुबह समाप्त करनी थी इसलिए अंतराय समाप्त कर दिया था हमने, अब अचानक ये क्लास आ गई है तो हमारा घातीय कर्म का विषय पूरा हो गया, तो हम थोड़ा सा अघातीय कर्म का विषय लेकर अघातीय कर्म को ही पूरा करेंगे आज, चारों कर्मों को, वेदनीय आयु नाम और गोत्र। कि देखो वेदनीय कर्म में क्या है कि वेदनीय कर्म के दो वेद हैं, एक साता वेदनीय है और एक असाता वेदनीय है, और साता वेदनीय और असाता वेदनीय संसारी जीव को पहिए की तरह हैं। साता आता है असाता चला जाता है, असाता आता है साता चली जाती है, तो साता असाता वेदनीय का उदय आता रहता है। और ये वेदनीय के कारण क्या होता है, वेदनीय कर्म क्या कराता है, अंतराक्रम क्या कराता था, कोई बताएगा मुझे अंतराक्रम क्या कराता था। आज सुबह बात की थी अंतराक्रम की, पिछली क्लासों की बात नहीं पूछ रहा हूं मैं, आज सुबह की क्लास की बात पूछ रहा हूं। अंतराक्रम का काम क्या था, कोई भी रेजन करके बताए कि अंतराक्रम का काम क्या था। क्या काम था अंतराक्रम का,
क्या सुबह की क्लास भी याद नहीं है किसी को? चलो हम ही बात करते हैं आगे। आप तो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ये आवाज आ रही हो तो कोई मैसेज कर दे मुझे कि आवाज आ रही है, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आवाज आ रही है आपको। कोई भी मैसेज करके भेज दे आवाज आ रही है का। ओके हाँ, तो अंतराक्रम में हमने सुबह देखा था कि अंतराक्रम का काम था विघ्न करना, कि वो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य आदि में विघ्न पैदा करता था। ऐसे ही वेदनीय कर्म का क्या काम है कि वेदनीय कर्म सुख दुख के कारणों का संयोग कराता है, कि जिन संयोग की हम बात करते आ रहे हैं ना, पिछले टाइम पिछले मोहिनी कर्म में बात की, अंतरा कर्म में बात की, संयोग आदि दृष्टि की बात की, वो संयोग उन संयोगों को ये वेदनीय कर्म उपलब्ध कराता है। इसमें देखो पंडित जी ने लिखा, वेदनीय के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है, कि सुख के कारणों का संयोग होता है। हमको तो नहीं हुआ आज तक सुख के कारणों का संयोग, क्योंकि सुख तो हमको हुआ ही नहीं आज तक, दुखी दुखी हो रहे हैं हम। कि यहाँ पर जो सुख की बात की है वो सुख सच्चा सुख की बात नहीं की, जो सुखावाद जीव को होता है, कि जीव को जो लगता है कि सुख है संसार में, जिस सुख को सुख मानता है उस सुख की बात की जा रही है, कि उस सुख के कारणों का संयोग होता है, कि जो सुखावास है। और ये सुख आवास कैसा है? निरर्थक है, कि हमको लगता है कि सुख है। जैसे गर्मी के दिनों में हम कहीं जा रहे हों और हमको ऐसा लगता है रोड पे कि आगे पानी है, जिसको आगम की भाषा में बोले मेघ मरीचिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिराज इफेक्ट, कि उसके कारण जीव को ऐसा लगता है कि पानी है। वो हिरण जंगल में घूमता है पानी के चक्कर में, उसको पानी लगा वहां गया पानी नहीं मिला, इसको कहते हैं मेघ मरीचिका। ऐसे ही हमको ये प्रैक्टिकल आपने किया प्रत्यक्ष देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको लगता है कि देखो दूर रोड सड़क पे पानी है, ऐसा लगता है हमको कि वो साइंस है, उसमें बैक इफेक्ट है साइंस का, जिसको मिराज इफेक्ट कहा जाता है। तो जैसे वहां लगता है कि पानी है लेकिन रियल में पानी नहीं है, उसी प्रकार जीव को लगता है कि संसार में सुख है लेकिन सुख है नहीं, कि भैया वहां पानी लग रहा था बहुत सारा, तो चलो पानी नहीं मिला, पानी की एक बूंद तो मिले, थोड़ा गीला तो मिले रोड, पानी नहीं मिले तो, कि नहीं गीला भी नहीं है बिल्कुल सूखा है, पानी का नाम निशान नहीं है वहां पर और लग रहा है हमको पानी है। सोच के देखे हम, है ना, आप सबको लगता भी होगा, सबने देखा भी होगा, तो लगता तो है कि पानी है और पानी का नाम निशान भी नहीं है वहां पे। वैसे ही जीव को लगता है कि संसार के विषय भोगों में इष्ट संयोगों में सुख है लेकिन महासुख का नामो निशान भी नहीं है, उस सुख की बात कर रहे हैं, सच्चे सुख की बात नहीं है यहाँ पे। तो वेदनीय के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। अब वहां पर सुख दुख के कारणों का संयोग कैसे होता है, तो महापंडित जी ने तीन बातें बताई, कि एक तो शरीर में अवस्था होती है सुख दुख रूप, दूसरा शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं, और तीसरा बाह्य वस्तुओं के संयोग होते हैं। कि तीन बातें क्या कही सुख दुख के लिए, एक तो शरीर में अवस्था ऐसी होती है कि साता वेदनीय का उदय है तो हमारा शरीर सही है, बिल्कुल चल फिर रहे खूब अच्छे से, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं हो रहा है अभी हमें साता वेदनीय के उदय के समय, तो शरीर में अवस्था उस रूप होती है। साता वेदनीय का उदय हो तो रोग आदि हो जाते हैं, सुधा तसा आदि हो जाते हैं, भूख लगना सुधा है, तसा उच्छ्वास होना, रोग होना, पीड़ा होना शरीर में, ये सब क्या साता वेदनीय है तो पीड़ा अधिक नहीं होंगे, रोग अधिक नहीं होंगे, और ये असाता वेदनीय का उदय है तो पीड़ा रोग आदि शरीर में हो जाते हैं, ऐसी शरीर की अवस्था होती है। दूसरा है कि शरीर की अवस्था के निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं, कि शरीर की अवस्था के निमित्त भूत कैसे, कि रोग आते खोना हो तो बाहर में बहुत ठंडी हवा लग गई, बहुत ठंडी हवा चलने लग गई, बहुत उष्ण हवा चलने लग गई,
इत्यादि प्रकार के संयोग बन जाते हैं कि जो शरीर की अवस्था को निमित्त भूत है। और तीसरा बताया कि बाह्य वस्तुओं के संयोग होते हैं। तो दो बातें तो बताएं शरीर के लिए और एक बाह्य वस्तु के लिए कि शरीर में अवस्था होती है, शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं और ये बाह्य वस्तुओं के संयोग होते हैं। जो शरीर की अवस्था में निमित्त भूत नहीं है लेकिन सुख दुख के कारण बनते हैं, जिनको हम सुख दुख का कारण मानते हैं। तो वहां पर असाता की वजह से शरीर में तो सुधा तसा आदि पीड़ा आदि होते हैं और शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत अति ठंडी अति गर्म आदि वायु चलती है और बाह्य में शत्रु आदि कुपुत्र आदि खुल जाए, कुवर्ण आदि, शरीर का वर्ण अच्छा नहीं है, पुत्र अच्छा नहीं है, कुपुत्र निकल गया, मकान बेकार हो गया, हमारी इच्छा के अनुसार परिणामित नहीं हुआ, मीन्स जैसा रखना चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो ये भी क्या है बाहर की वस्तुएं हैं कि इनका संयोग ऐसा हो गया कि मकान का परिणाम ऐसा ही हो गया कि जब असाता वेदनीय का उदय आया तो इत्यादि रूप से बाह्य वस्तुओं के संयोग भी हो जाते हैं। और इतना सब होने पर भी ये सामग्रियां ये अवस्था सुखी दुखी नहीं करती कि वेदनीय कर्म सुख दुख के कारण उपलब्ध कराता है लेकिन फिर भी वेदनीय कर्म सुखी दुखी नहीं करता। आपको बात लग रही होगी अटपटी कि सुख दुख के कारण उपलब्ध करा रहा है और आप तो कह रहे थे कारण कारण संबंध है, कारण कारण संबंध है और सुख दुख के कारण मिल रहे हैं तो सुखी दुखी भी तो कह रहा है वेदनीय कर्म, और आप कह रहे हो कि वेदनीय कर्म सुखी दुखी नहीं करता कि हाँ वेदनीय कर्म सुखी दुखी नहीं करता, तो कारण कारण संबंध का क्या होगा? कारण कारण संबंध भी देखेंगे कैसे आएगा कारण कारण संबंध कि सुख दुख के कारण उनको कहा जा रहा है किस लिए कि मोहिनीय कर्म के कारण तुम उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर रहे हो और इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके उसमें सुख दुख मान रहे हो, तो तुमने उस वस्तु से दुख माना तो उसको हमने दुख का कारण कह दिया, तुमने उस वस्तु से सुख माना तुमने सुख का कारण कह दिया। लेकिन यथार्थ में देखें तो बाह्य वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है, क्योंकि यदि बाह्य वस्तु सुख दुख का कारण हो तो अनंतर सिद्ध हुए हैं, वो सिद्ध नहीं होते कि बाह्य वस्तु तो उनके लिए भी थी, ऐसा तो नहीं बाह्य वस्तु हमारे लिए ही थी, अरे उनके लिए तो जो तीर्थंकर परमात्मा हुए उनके पास तो हमारे पास नहीं है वो था, उनकी संपदा के सामने, उनके यश के सामने, उनके वैभव के सामने हमारा वैभव तो अनुमात भी नहीं है, हमारा यश तो अनुमात भी नहीं है, तो उनके पास तो बाह्य वस्तु ज्यादा थी। यदि बाह्य वस्तुएं ही सुख दुख का कारण होते तो वो भी सुख दुख होते रहते जैसे हम हो रहे हैं, नहीं बाह्य वस्तु कारण नहीं है कि मोहिनीय है तो ये बाहर की वस्तुएं सुख दुख का कारण बनती है। तो वेदनीय की बात क्यों की हुई है कि वेदनीय कराता है उपलब्ध कि वेदनीय उन वस्तुओं का संयोग कराता है, वेदनीय कर्म ये नहीं कहता कि भैया तुम सुखी हो या दुखी हो, वेदनीय कर्म तो सामग्री का संयोग कराता है। अरे तीर्थंकर परमात्मा के समोषण में तीन लोक की विभूति पड़ी रहती है लेकिन तीर्थंकर परमात्मा आंख उठाकर नहीं देखते, कि कर्म है हमारा। देखो यहाँ प्रश्न पूछा किसी ने, किसी शंका आई है कि कर्म भी परवस्तु है ना, कि हाँ कर्म भी परवस्तु है होने को, तो क्योंकि हमने कर्म में अपने में भी एकत्व माना हुआ है जबकि एकत्व नहीं है, कर्म तो पुद्गल द्रव्य है और मैं तो जीव द्रव्य हूं, कर्म अपने गुण पर्यायों में है मैं अपने गुण पर्यायों में हूं, कर्म मेरे गुण पर्याय में नहीं आता मैं कर्म के गुण पर्याय में नहीं जाता। लेकिन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं कर्म की, कर्म का उदय आता है तो क्या होता है, तो यहां पर परवस्तु की बात की है हमने, ये परवस्तु है जो कर्म के उदय से बाहर की सामग्रियां मिलती हैं, जो बाहर की परवस्तु हो रही है उनकी बात की जा रही है परवस्तु में, कर्म ही परवस्तु है वैसे, कर्म भी अपना नहीं है। तो उसमें मोहिनीय के कारण
फिर उनसे शुभ दुख क्या क्वेश्चन पूछा है, फिर उनसे सुख दुख का अनुभव में आता है कि देखो भाई मैं कह रहा हूं कि कर्म के कारण यदि सुखी दुखी होते हम तो कर्म तो अनंत जो हो गए हैं उनके पास भी थे, लेकिन कर्म पर तो हम आरोप कर देते हैं कि कर्मों के कारण दुखी हैं, ये कथन भी शुद्ध निश्चय का नहीं है, व्यवहार से कहा जा रहा है कि कर्म दुख दे रहे हैं। यदि कर्म ही सुख दुख देने वाले हों फिर तो कोई जीव कर्मों से मुक्ति नहीं हो पाएगा, ये तो व्यवहार का कथन है कि कर्म सुखी दुखी करते हैं कि कर्म सुखी दुखी नहीं करते, कहने में आता है ऐसा, लेकिन ये जीव ऐसा मान लेता है कि भैया आगम में लिखा हुआ है कर्म सुखी दुखी करते हैं, और क्या कह रहे हैं भैया हमको तो कर्म का बंधन है, हम तो सुखी दुखी होंगे या तो कसाय भाव करेंगे ही, क्यों संदता है कि भैया ये तो ऐसा है कर्म के कारण जो हम कह रहे हैं कि कर्म सुखी दुखी कह रहे हैं वो तो ऐसा है, जैसे मान लो कोई आपके घर पे गया और आप उससे बोलो कि भाई साहब ये घर तो आपका ही है, हमने ऐसा कह दिया, बताओ आप सामने वाले से हमने ऐसा कह दिया कि भैया घर आपका ही तो है, कोई आ गया सगा संबंधी आ गया कोई जिसकी अच्छी रेस्पेक्ट है समाज में वो आ गया, तो क्या बोलते हैं हम कि हाँ भैया, वो बोले मेरे घर तो बहुत अच्छा है, हाँ भैया घर तो आपका ही है, आपने ऐसा बोला उससे घर तो आपका ही है और वो बोले भैया ठीक है घर से निकलो बाहर मेरा घर है ये, तो बताओ किसको मानने होगा। लेकिन वो जो जिससे तुम कह रहे हो कि घर आपका ही है वो भी समझ रहा है कि कह रहे हैं ये मेरा घर नहीं है, और जो कह रहा है कि घर आपका ही है वो भी समझ रहा है कि मैं सिर्फ कह ही रहा हूं कि इसका घर है, घर तो मेरा ही है। तो वैसा हम यहां पर नहीं, यहां विचार नहीं करते कि यहां हमने आगे में पढ़ लिया कि भैया कर्म सुखी दुखी करते हैं तो ठीक है कर्म ही सुखी दुखी करते हैं, क्या भाई किस ने ऐसे बात की जा रही है, अनेक कारण को समझो तो कही, वो स्वादवाद रूपी शैली वो कहां गई स्वादवाद की शैली, तो उसकी हमें चर्चा नहीं करनी है, आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। तो हम बात कर रहे थे कि जीव मोह के कारण इष्टनिष्ठ मान्यता करता है और उसके कारण सुखी दुखी होता है, और वेदनीय कर्म को इसलिए लिया क्योंकि वो सामग्री वेदनीय कर्म से मिल रही है, वेदनीय कर्म नहीं हो तो सामग्री नहीं मिले, साता का उदय हो तो शरीर बलवान हो जाए, आरोग्य पना हो, निरोगी रहे, शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाहर के खान पान आदि अच्छे मिले, सुहावनी ऋतु मिले, सुहावनी पवन मिले, बाहर में मित्र अच्छे मिले, सुपुत्र मिले, किंकर हाथी घोड़ा धन धान्य मकान वस्ता दे सब अपने अनुकूल मिले, साता वेदनीय का उदय हो तो जब इनका उदय होता है तो मोहिनी के कारण इष्ट बुद्धि कर लेता है, और असाता वेदनीय से सामग्री मिलती है तो उसमें इष्ट बुद्धि कर लेता है, क्योंकि क्या लिखा यहां पे, जब इनका उदय हो तो मोह का उदय ऐसा ही आए जिससे परिणाम में सुख माने, उनकी रक्षा चाहे जब तक रहे तब तक सुख माने। लेकिन वास्तव में देखें हम तो परमार्थ से सुख नहीं है, जैसे कोई बहुत रोगों से पीड़ित हो रहा है उसका कोई एक रोग शांत हो गया तो वो निरोगी नहीं है, वैसे ही इसको कोई अनुकूल संयोग मिल गई, जिस वस्तु की इसको इच्छा थी जिस वस्तु को ये पाना चाहता था वो वस्तु इसको मिल गई तो पूर्व की अपेक्षा अपने वो सुखी कहता है, लेकिन परमार्थ से सुख है नहीं। यदि परमार्थ से यदि हम देखें तो जीव सुखी नहीं है, उसी प्रकार यह जीव अपने दुखों से पीड़ित हो रहा है, किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल की उपशांतता हुई तब वह पूर्ण अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। अब यह जीव इन वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट की मान्यता करके उपाय क्या करता है कि इष्ट पदार्थों को रखूं और अनिष्ट पदार्थों को दूर करूं, इसकी चर्चा हमने कर ली पिछले गातिया कर्मों में, इसलिए हमको विस्तार नहीं लेना।
कि हमको ये विषय पूरा करना है आज। तो यहां कह रहे हैं कि उपाय भी तेरे आदिन नहीं है, उपाय वेदनीय कर्म के आदिन है। कि तेरे असाता वेदनीय का उदय हो तो तू कितने भी उपाय कर ले निरोगी नहीं हो सकता। और आज जीव की मान्यता ऐसी है कि वे निरोगी होना चाहता है, कैसे भी करके निरोगी हो जाए। जैसे मैं बात होता हूं मूर्ता की, लोग मूर्ता में आती है वो चीज, लेकिन लोग उस चीज को विश्वास नहीं करते। आज कोई बच्चा है छोटा, 1 साल का 2 साल का, वो बीमार पड़ गया तो क्या कहते हैं घर वाले, किसी की नजर लग गई इसको। अरे भैया नजर नहीं लगी उसको, उसका साता बीतने का उदय आ गया है। और वो जी उपाय क्या करता है कि भैया इसकी नजर उतार दो, ऐसा कर दो ऐसा कर दो, और उससे जब रोग सही नहीं होता तो क्या कहता है, नजर कुछ ज्यादा ही लगी है इसको, और करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। ये जो भी उपाय करते हैं नजर उतारने के लिए, प्रत्यक्ष देखने में आता है कि नजर उतारने से भी रोग सही हो जाता हो तो तुम क्यों लेके जाते हो डॉक्टर के पास, नजर उतार के रोग सही कर लो एक बार। और नजर उतारने से रोग सही हो जाता हो तो तुमने एक दिन नजर उतार ली, उसी दिन रोग सही हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। और फिर क्या कहता है जी, किसने बहुत ज्यादा ही नजर लगाई है इसको, और अच्छे से नजर उतारनी पड़ेगी इसकी। फिर अगले दिन नजर उतारी और अच्छे से, तो भी रोग सही नहीं हुआ, और अच्छे से उतारनी पड़ेगी। मैं माना क्या उसने कि भैया इनके अनुसार ये निरोगी हो जाएगा, कि जब तक उस बच्चे के साता वेदनीय का उदय नहीं आएगा वो निरोगी नहीं होगा। जब तक उसका साता वेदनीय का उदय है वो रोगी रहेगा, चाहे बच्चा हो चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो। लेकिन इस बात को खबर नहीं है, जैसे लोग मूर्ताओं में पढ़ पढ़ के गई मिथ्या को ग्रहण कर करके कुछ भी करने लगे हुए, झाड़ फूंक करा रहे हैं और नजर उतार रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसकी यहाँ पे चर्चा नहीं करनी हमें। तो जो उपाय है वो उपाय भी अपने आधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के आधीन है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ सभी का यत्न रहता है। मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो अपने को रोगी करना चाहता है, जो अपने को गरीब बनाना चाहता है, जो अपने को क्रूर बाण बनाना चाहता है, जो अपने को दुखी करना चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कि नहीं है। सबका एक ही प्रत्यय है कि साता का उदय रहे, असाता दूर हो जाए। साता को प्राप्त करने का और असाता को मिटाने का सबका यत्न है, फिर भी साता सबके पास नहीं है। क्यों नहीं है साता सबके पास? मेरा प्रश्न तो यह है कि साता क्यों नहीं है सबके पास? क्योंकि भैया साता को रखना और साता को दूर करना तेरे आधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के आधीन है। अब तू ऐसे ऐसे परिणाम करके कसाय आदि भाव करके असाता वेदनीय मानता है, और जब उदय में आता है सोचता है साता का उदय आए, कैसे आ जाएगा? असाता वेदनीय बांधोगे तो उदय असाता का आएगा, साता का नहीं आ सकता। इसलिए लोग यहां कह रहे हैं कि असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा ना करने पर भी सिद्धि हो जाए, और किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो। इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके आदि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लिया था एक, उसको लाभंतराय में भी ले सकते हैं, साता बीनने में ले सकते हैं। साता बीनने का उदय भी कहलाएगा, लाभंतराय का सप्शन भी कहलाएगा। क्या उदाहरण लिया था हमने कि एक जगह पे अभी स्टेट का नाम तो मैं नहीं देखा, अभी भी नहीं पता मुझे, 12th का रिजल्ट अनाउंस हुआ, किसके बेस पर? पुरानी परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोशन कर दिया। अब जिस व्यक्ति ने उस स्टेट में मेरिट में टॉप किया है, उसने मेरिट में टॉप आने के लिए भी कौन सा पुरुषार्थ किया, क्या यत्न किए उसने? आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या यत्न किए उसने? कोई यत्न किया उसने कि नहीं? स्वयं निरुक्त बन गए ऐसे कि वो टॉप कर गया, ऐसे बनते हैं। यत्न नहीं करने पर कार्य की सिद्धि हो जाती है। और या तो खूब यत्न करो, कोई पढ़ता है खूब 20-20 घंटे पढ़ ले तो भी टॉप नहीं कर पाए। होता है ऐसा खूब कि भैया ये बच्चा बहुत पढ़ता था लेकिन फिर भी टॉप नहीं किया, तो कोई क्या कह देता है, ध्यान से नहीं पढ़ता होगा, ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। कि अरे भैया यदि ध्यान से भी पढ़ ले और असाता का उदय हो तो पता चला कि एग्जाम में लिखते समय
जब क्वेश्चन पढ़ा एग्जाम में तो उत्तर याद था, और जब लिखने बैठा तो भूल गया। असाता का होता है तो कुछ भी हो जाए, अकारे की सिद्धि तो वैसी होगी असाता वाली। थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा ना करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो। इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके आदि नहीं है। और कभी कदाचित किंचित कोई असाता मिट जाए, असाता का कारण बने, तो वहां इसकी इच्छा पूरी होती दिखाई देती है, लेकिन वहां पर इच्छाओं का रुकाव नहीं है। एक इच्छा पूरी नहीं होती तो दूसरी इच्छा प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार ये उपाय करता रहता है, लेकिन वो उपाय इसके अधीन नहीं है। और इस संसार में साता का उदय तो आप पूरा पढ़ लेना, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीवों के बहुत का असाता ही का उदय रहता है, इसलिए जो उपाय करता है वे उपाय झूठे हैं। और बाह्य सामग्री से सुख दुख मानना वो भी भ्रम है, कि बाह्य सामग्री से सुख दुख मानना ही भ्रम है। क्योंकि देखो, हम मानते हैं कि पैसे से सुख मिलता है, तो पंडित टोडर मई ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया कि जो लखपति हो उसको 1,000 रुपए का लॉस हो जाए तो वह दुखी है, और कोई किसी के पास 100 रुपए हो उसको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो वह सुखी है, तो वह सुख मानता है और वह दुख मानता है। अब यदि पैसा सुख का कारण है तो विचार करके देखें, हम इसको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए पहले थे, 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, 1,100 रुपए है। और जो 1,00,000 रुपए थे इसके पास, उसके पास 1,000 का लॉस हो गया, उसके पास अभी 99,000 रुपए हैं, तो कहां तो 1,100 रुपए हो, कहां 99,000 रुपए। 99 गुना है उसके पास पैसा, फिर वो दुखी हो रहा है। क्यों हो रहा है दुखी? यदि पैसा सुख का कारण है तो वो व्यक्ति तो 99 गुना सुखी होना चाहिए, उसके पास 99,000 रुपए हैं और उस बेचारे के पास 1,100 रुपए हैं, और वो सुख मान रहा है और दुखी मान रहा है। इसे सिद्ध होता है कि भैया पैसा सुख का कारण नहीं है। उसने दुख क्यों माना? कि जो लॉस हुआ, जो इष्ट का वियोग हुआ, इसलिए उसने दुख माना। और उसको जो पैसा इष्ट लग रहा था उसको प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपए का, इसलिए उसने सुख माना। पैसा सुख का कारण नहीं है। पैसा सुख का कारण हो तो 99,000 बारे को 1,000 रुपए के कंपेरिजन में 99 गुना सुखी होना चाहिए, लेकिन नहीं है सुखी। इसलिए पता चलता है कि भैया, कल हमने बात की थी इष्टनिष्ट की, कि जगत में कोई पता इष्टनिष्ट नहीं है। ये सेम कल्पना करता है मोहिनी कर्म के कारण, और जब सामग्री मिलती है बेदनी है तो सामग्री में इष्टनिष्ट की कल्पना कर लेता है। कल ने बहुत सारी बात की थी प्रथम योग के आधार से भी, रिश्तों की बात की थी कलम ने, कि हमारे ससुर ऐसे नहीं, हमारी सासें ऐसी नहीं, किसी की माँ ऐसी नहीं कि अपने पुत्र का भक्षण करे 3-3 दिनों तक। सुकुमार मुनि और सुकौशल मुनि याद होंगे आपको। अरे उपसर्गों के काल में भी उन महापुरुषों ने दुख नहीं माना, और हम उपसर्ग तो दूर रहो, जो ये संयोग है थोड़े से प्रतिकूल संयोग भी आ जाए तो संयोग में सुख दुख मान लेते हैं। फिर किसी ने कहा, एक प्रश्न उठाया उसमें, कि बाह्य सामग्री तो तुम कहते हो वैसा हमने मान लिया, लेकिन शरीर में तो पीड़ा होती है, दुख होता है। भैया बाहर की अवस्था तो हमने मान ली कि बाह्य दर पर सुख दुख के कारण नहीं है, लेकिन शरीर में पीड़ा होती है तो दुख होता है, और शरीर में पीड़ा नहीं होती तो सुख होता है। तो यहां तो शरीर की अवस्था के आधीन सुख दुख भाषित होते हैं, तो वहां पर यह कहा कि भैया आत्मा का ज्ञान तो कैसा है कि इंद्रिय आदि ज्ञान है, और इंद्रियां शरीर का अंग है, इसीलिए इसमें जो अवस्था होती है उसको जानने रूप वो ज्ञान परिणमित होता है, और उसके साथ में मोह है, इसलिए शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख का विशेष जाना जाता है। देखो यहां एग्जाम्पल से बात को समझा, फिर इसको खत्म करेंगे।
कि किसी ने कहा कि भैया शरीर में पीड़ा होती हो दुख होता है और नहीं होती सुखी होता है। अब इसका मैं एग्जांपल लेके देखें कि कोई व्यक्ति है दुकान पे बैठा है, उसको बुखार आ रहा है, बहुत तेज बुखार है, उसको डॉक्टर के पास जाना है, ले कस्टमर आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, इतनी व्यस्तता है उसको एक मिनट की फुर्सत नहीं, तो उसको अपना बुखार भी ख्याल में नहीं आता, पीड़ा हो रही हो सही में पीड़ा ख्याल में नहीं आती। अरे कोई व्यक्ति दुकान पे बैठा, कस्टमर आ रहे हैं कंटिन्यू, नॉर्मल डे में नहीं, त्योहारों के टाइम पर आपने अनुभव किया ही होगा, नॉर्मल डे में नहीं किया हो तो, कि ग्राहक आ रहे हैं सुबह से शाम तक, ध्यान ही नहीं आने भोजन किया कि नहीं किया, कोई शाम को बोले भैया सुबह से भोजन नहीं किया, अरे हाँ भोजन नहीं किया, भूख लगेगी भूख लगेगी, मतलब भोजन नहीं किया सुबह से तो भी भूख नहीं लग रही, भूख का आवाज भी नहीं हो रहा, अंदर पीड़ा हो रही है भूख की लेकिन भूख का पता नहीं है। अब कैसे माने हम कि पीड़ा से दुख होता है तुझे? अरे यदि तुझे दुख होता तो दुख क्यों नहीं हुआ अभी? अरे तेरे शरीर में रोग है, नहीं फिर भी कस्टमर आ रहे हैं तो बुखार में भी तप रहा है बुखार से, लेकिन फिर भी ठीक है एक कस्टमर और आ जाए, ऐसा भी नहीं सोचता, चलो ठीक है भैया कस्टमर आ रहे हैं छोड़ तो नहीं सकते, तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे बुखार आ रहा है उस समय तुम्हारे मन में ऐसा आता है कि कस्टमर आने बंद हो जाए तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं कि नहीं एक कस्टमर और आ जाए, एक कस्टमर और, एक कस्टमर और, कि उस समय ये विचार भी नहीं आता है कस्टमर नहीं आए, अरे आ रहे हैं तो आए ग्राहक कोई नहीं, बुखार का क्या है सहलेंगे थोड़ा सा, अभी नहीं तो शाम को चले जाएंगे डॉक्टर के पास, शाम को नहीं तो सुबह चले जाएंगे डॉक्टर के पास। तो इससे पता चलता है कि शरीर की पीड़ा भी दुख का कारण नहीं है, उस समय तुझे धन अच्छा लग रहा है, कमाई अच्छी लग रही है, तो तुझे शरीर की पीड़ा का भी ख्याल नहीं है, इसका अर्थ है कि शरीर की पीड़ा भी दुख का कारण नहीं है। इसमें और तो हम एग्जाम्पल क्या देखे हैं कि जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वैसे आपको ख्याल में आ गया होगा कि जैसे मान लो किसी को कोई रोग है और वही रोग पिता को भी है, वही रोग पुत्र को भी है, अब वो पिता का पुत्र के प्रति इसने ऐसा है कि उसको अपने रोग का ध्यान नहीं है, पुत्र का रोग कैसे सही हो, पुत्र के रोग को दूर करने का प्रसाद करता है, पुत्र के रोग को दूर करना चाहता है, अपना भी रोग हो रहा है उसको गौण कर देता है, वहां पर पुत्र सही हो जाए मेरा, पुत्र सही हो जाए मेरा, ऐसी पित्र देखने में आते हैं कू, जो कि यहाँ पर लिखा है पंडित जी ने, पुत्र धनाधि से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने, और मुनि है वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते, इसीलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है, मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कि ऐसे संबंध है, कि इनका उपाय क्या करें कि समय दर्शन करो, इष्ट अनिष्ट की मान्यता करना छोड़ दो तो ये दुख दूर हो जाएगा, ये उसका सच्चा उपाय है। आयु क्रम की बात करें हम तो आयु क्रम के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है और पर्याय का छूटना सो मरण है। अब यह जीव क्या करता है कि मनुष्य पर्याय को अपनी मानता है कि यही मैं हूं, जैसे पंडित दौलतराम दूसरी डाय में लिखा, तन उपजत अपनी उपज जान तन असत आपको नासमान, कि शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश को अपना नाश मानता है, तो ये क्या मानता है कि मैं जीवित रहूंगा तो मेरा अस्तित्व रहेगा, मैं मर गया तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, भाई तुझको अस्तित्व गुण की भी खबर नहीं है, और मरण होने पर अपना अभाव मानता है, इसका सदाकाल मरण का भय रहता है इसको कि मरण ना हो जाए, मरण ना हो जाए, सदा का आकुलता रहता है। उपाय क्या करता है, मरण के कारणों को दूर रखता है, स्वयं उनसे भागता है, औषधि आदि बनाता है, किला कोट आदि बनाता है, इत्यादि उपाय करता है, तो ये उपाय झूठे हैं, क्योंकि आयु पूर्ण होने पर अनेक उपाय करे अनेक सहायक हो तथापि मरण हो ही जाता है, इस समय मात्र जीवित नहीं रहना होता। इसको भी देखो एक एग्जाम्पल से बात को पूरी करते हैं, जैसे आप एक एग्जाम प्रथम न्यूज से लेते हैं पहले, फिर एक प्रेजेंट कंडीशन का लेंगे। पांडव पुराण में या हरिवंश और हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण की नारायण श्री कृष्ण की कथा आती है, आपको पता होगा नारायण श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई,
कि अरे भगवान के समोसरण में पहले ज्ञात हो गया कि ये निमित्त बनेगा इसकी मृत्यु में, और वो उसका भाई कृष्ण का भाई, उसका नाम मुझे याद नहीं है अभी क्या नाम था उसका, कृष्ण का भाई, उसने सोचा कि मैं निमित्त बनूंगा अपने भाई की मृत्यु में। वो वहां से भाग गया, जंगल में रहने लगा, भयंकर जंगल में, कि ना मैं यहां से कहीं जाऊंगा, जंगल से निकलूंगा ही नहीं, तो मैं निमित्त कैसे बनूंगा मृत्यु में, अपने भाई की मृत्यु में नहीं बनूंगा निमित्त। और जब द्वारिका जल गई, और जब कृष्ण और बलराम दोनों जहां पांडव थे वहां पर जा रहे थे, रास्ते में वो जंगल पड़ा, और उन्होंने क्या सोचा कि जंगल से पार हो जाएं हम, और उस जंगल के बीचों बीच उस श्री कृष्ण को प्यास लगने लगी। बलराम बोले कि भैया यहाँ आसपास पानी नहीं है, इस जंगल को पार कर लें थोड़ा चल के, फिर पानी पी लेंगे। तो श्री कृष्ण बोले कि नहीं, मुझ पर तो एक कदम नहीं चला जा रहा है, मुझको तो पानी चाहिए, पानी का अरेंजमेंट करो। तो बलराम उनको एक पेड़ के नीचे बैठा के कुछ पानी लेने चला गया, और तभी उसका जो भाई जो शिकारी बन चुका जंगल में रहते रहते, उन्होंने वहां उसने वहां देखा कि भैया कुछ है, तो उसने शिकार समझ के बाण चलाया और प्राण पखेरु उड़ गए। बताओ कौन बता सकता है आयु कर्म से कि मरण का भय क्यों कर रहे हैं, मरण का भय। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सारि बंध अधिकार में लिखा 250-251 नंबर की गाथा है शायद, निज आयु छे से मरण हो यह बात जिन भर ने कही। कि जिनेन्द्र देव ने कहा है कि भैया निज आयु के छह से मरण होता है, तू मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं, तू बचा कैसे सकेगा जब आयु दे सकता नहीं। अरे आयु कर्म जब नष्ट होने को आए तो क्यों बचा नहीं सकता। हम देखते हैं कि खूब बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ऐसे बड़े बड़े लोग बीमार पड़ जाए, बड़े से बड़ा डॉक्टर आ जाए तो भी बचाने में समर्थ नहीं है। पूरा पैसा, पूरी लाइफ जितना पैसा कमाया वो पूरा पैसा काम नहीं आता। वो मुख्यमंत्री उसके आगे पीछे घूमने वाले कोई काम नहीं आता, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उसको बचा नहीं पाता। कैसे बचाए भाई, कोई कोई आयु दे सकता नहीं, कोई आयु ले सकता नहीं, कैसे बचाए, कैसे मारे। तो मरण का भय क्यों कर रहे हैं हम कि कोई हमको मार देगा, कोई हमको मार देगा। अभी कोरोना का भय लगा हुआ है कि भैया कोरोना ना हो जाए, मर नहीं जाए। अरे आयु पूरी होनी होगी तो कोरोना तो क्या हो? अभी देखो, देखें वर्तमान में पिछले 3 महीने में इंडिया में 15,000 मौतें हुई। उन 15,000 के अलावा मौतें नहीं हुई क्या 3 महीनों में? कि नहीं हुई मौतें 15,000 के अलावा भी जो कोरोना से नहीं मरे, अपनी नॉर्मल नेचुरल डेथ से मरे, तो वो कैसे मरे फिर भैया कोरोना से मरणकार हो रहा है। तो कि जब आयु का मरण होना हो तो जिस निमित्त से आयु का मरण होना उस निमित्त से हो जाती है। कि नारायण श्री कृष्ण को उसके निमित्त से ही मरना था तो जंगल में पहुंच गया अपनी मृत्यु करवाने के लिए। कि जिस निमित्त से, जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर जैसे मृत्यु होनी है, जैसी सर्व भगवान ने मृत्यु देखी है तुम्हारी मृत्यु वैसी होनी है तुम्हारी। अरे नवीना भगवान ने श्री कृष्ण की मृत्यु भाई के निमित्त से देखी थी तो भाई कितना ही भाग लिया वहां से, कितना भी दूर हो गया अपने पूरे परिवार से, जंगल में रहने लगा भी सब,
लेकिन फिर भी उसी निमित्त से मृत्यु हुई। इससे भी मरण का भय, हमारा मरण का भय दूर होना चाहिए। प्रत्येक समय जीव दुखी है, कोई रोग ना हो जाए, किसी तरह की कोई आपदा नहीं आ जाए, और वास्तव में दुख मरण का नहीं, दुख इस बात का है कि मेरा मेरा शरीर छूट जाएगा, मेरी स्त्री छूट जाएगी, मेरा पुत्र छूट जाएगा, मेरा मकान छूट जाएगा, इसका दुख है वहां पर। और कहा था पहले कि तुम जन्म में हर्ष मनाते हो तो मरण में भी हर्ष मनाओ, क्योंकि वो जन्म मरण का कारण है। उसका भी हम विचार करें, उसका सच्चा उपाय क्या है भैया, कैसे दूर करें दुख को, कि सम्य दर्शन आदि से पर्याय में है बुद्धि करना छोड़ो। जैसा पंडित जी ने बताया ना छठवीं गाथा में, अपने गायक भाव की पहचान करो कि वो गायक भाव कैसा है, उस पर्याय में अहम बुद्धि छोड़ो। सेम अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है, उसमें अहम बुद्धि आए, पर्याय को स्वांग समान जाने, तब मरण का भय नहीं रहता। कि भैया पर्याय को स्वांग समान जानने से मरण का भय कैसे नहीं रहेगा, इसका भी एग्जाम्पल देखो, बात को समाप्त करते हैं। जैसे मान लो रामलीला चल रही हो मंच पे, और उसमें एक व्यक्ति रावण का रोल कर रहा है, युद्ध हो रहा है, अंतिम युद्ध, अब मरना है रावण को रामलीला में। अब मुझे बताओ उस व्यक्ति को भय है कि नहीं मरने का, दुनिया देख रही है, दुनिया कह रही है भैया मरण होने वाला, रावण का मरण होने वाला है। अब देखो कैसे लक्ष्मण अभी चलाएगा बाण, लौकिक रामलीला में तो राम का नाम आएगा, लेकिन एक्चुअल में लक्ष्मण ने मारा था, तो लक्ष्मण की बात करें हम तो, कि लक्ष्मण अब बाण चलाएगा और रावण मरेगा, दुनिया कह रही है इस बात को, लेकिन जो रावण है उस समय उसको मरण का भय है कि नहीं, कि नहीं है उसको मरण का भय, क्योंकि वो जानता है कि भैया मैं रावण नहीं हूं, मैं तो स्वांग है, ये तो मेरा रावण था, ये स्वांग मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, इसलिए उसको दुख भी नहीं है, भय भी नहीं है। तो यदि ये पर्याय को स्वांग समान जाने कि भैया ये जो मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय जाएगी, मैं तो अपने गुण पर्यायों को लिए, मेरा तो पूरा भरा पूरा परिवार है गुण पर्यायों का, मैं तो अपने पूरे परिवार के साथ में हूं, अनादिकाल से अनंत काल तक रहूंगा, मेरा ना कोई मेरा मरण करने वाला कोई है नहीं, अनादि निधन चैतन्य द्रव्य हूं मैं तो जो पर्याय को स्वांग समान जानेगा वो भी उसको भय नहीं रहेगा। हमको वैसी लिए क्योंकि हम पर्याय को अपना मान रहे हैं, उसको मनुष्य पर्याय को, कि मनुष्य ही मैं हूं, तो इसलिए सम्य दर्शन आदि से ये दुख मिटेगा, ये भय मिटेगा हमारा। नाम कर्म की बात करें तो नाम कर्म के वजह से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, शरीर का सेना, शरीर का संस्थान, यश नाम कर्म आवाज, जो 93 नाम कर्म के तो भेद है 93, यश नाम कर्म हो चाहे संस्थान सेनन स्वर शुभ नाम कर्म शुभ नाम कर्म इत्यादि अनेक रूप से, उसके तो 93 भेद हैं। निर्वाण नाम कर्म कि भैया कौन सा शरीर कहां, कौन से शरीर का अंग कहां फिट होना है, वो भी सब नाम कर्म डिसाइड करता है। तो ये सारी चीजें हमको नाम कर्म से मिलती हैं, उसमें जो पुण्य के उदय से होते हैं सुख के कारण होते हैं। कितना भी चेंज करना चाहो, ये तुम्हारे अनुसार होने वाला।
आवाज आ जाए। उत्तर बगल में कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं तो वहां अभी आ रही है क्या आवाज सही? अभी आवाज आ रही है क्या सही? चलो अभी हम क्लास को समाप्त करते हैं। अच्छी बगल में कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो उधर बैंड बाजे बज रहे हैं। हाँ तो गेट से ही रुकेगी आवाज। ये भी लगा दो हो रही है अभी। हाँ तो नाम कर्म के अनुसार हमको जैसा शरीर जिसका मिला है उसका शरीर वैसा रहेगा ही। तो इससे हम एक चीज ये भी देखें कि भैया हम किसी का अपमान भी नहीं कर रहे हैं, किसी का मजाक भी नहीं उड़ाए हम कि भैया इसकी नाक ऐसी है, इसका चेहरा ऐसा है, इसकी आवाज ऐसी है, ये बौना है, ये लंबा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा बोलता है, इस किसी के हाथ ऐसे हैं, किसी के हाथ ऐसे हैं, इस प्रकार से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये सब नामकरण की व्यवस्था है, इसको हम चेंज करने का प्रयास करें तो भी चेंज नहीं होने वाला। और इसका उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि, इसमें दर्शन आदि करके भली भांति जानो कि भैया ये तो कर्म की व्यवस्था है, ये हमारे आधीन नहीं है, हमारे अनुसार नहीं होगी, ऐसा जानकर हमारा ये दुख दूर होगा। और गोत्र कर्म में भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये भी भैया तुमने बांधा अपने परिणामों से, इसी उच्च गोत्र में भी और नीच गोत्र में भी दुखी नहीं होना, कि दुखी होने का कोई काम नहीं है उसमें। कि गोत्र कर्म के उद्देश्य उच्च नीच कुल उत्पन्न होता है, वहां उच्च कुल में उत्पन्न होने पर ऊंचा मानता है और नीच कुल में उत्पन्न होने पर नीचा मानता है। लेकिन यह कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना तो कैसा भ्रम है। उसमें लिखा पंडित जी ने कि कोई उच्च कुल वाला निंद कार्य करे तो निंदनीय हो जाए, नीचा हो जाए, और नीच कुल वाला कोई श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोभ आदि से उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। और भैया ये कुल तो एक भव का है, छूट जाएगा, पर्याय बदलेगी, मनुष्य पर्याय बदलेगी, चला जाएगा। अरे तुम तो उसका पुरुषार्थ करो, उस कुल को पाओ, सिद्धों के कुल को, इन उच्च नीच कुलों में क्या रखा है? सिद्धों के कुल को पाओ, सिद्धों के कुल के हैं हम तो, हमारा स्वभाव तो सिद्धों के कुल का है, उस कुल को हम पाएं। तो वास्तव में आठों कर्मों के द्वारा जो हम दुखी हो रहे हैं उसको दूर कर सकते हैं। इसके साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी हैं 10 मिनट हैं अभी, कि देखो आप सबने पिछले 7 दिनों से ये चर्चा सुनी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने वो चर्चा अपने परिवार वालों के साथ, अपने पुत्रों के साथ, अपनी पुत्र वधुओं के साथ, ओवरऑल अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा की? कितने लोगों ने की होगी चर्चा, की किसी ने चर्चा? और आपने भी इस चर्चा का कितने देर चिंतन किया, विचार करके देखें भाई। ये ग्रंथ है मुक्त प्रकाशक ग्रंथ, ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है
इसकी एक एक लाइन में सार भरा हुआ है और इतना इजी है, और इजी इतना है कि कोई सामान्य बुद्धि वाला भी पढ़े तो भी सहज समझ में आ जाए। और इस मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष का पूरा मार्ग खोल के रख दिया है कि अरे उस सम्यक दर्शन की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सच्चा उपाय सुखी होने का, सच्चा उपाय सम्यक दर्शन है, उस समय दर्शन को इस ग्रंथ को पढ़ के भी पा सकता है जी। इस ग्रंथ में कोई कमी नहीं है समय दर्शन कराने में, लेकिन हम यदि हतोत्साहित होकर प्रमादी होकर नहीं करना चाहें तो उसकी तो कोई नहीं बन सकती। आजकल बहुत एक बहुत जी देखने में आता है, थोड़ी पीड़ा होती है मन को कि आज की युवा पीढ़ी जैन धर्म से विमुख होती जा रही है। तो हम भी थोड़ा विचार करके देखें कि हमारे पुत्र पुत्री धर्म से विमुख हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है, कि कहीं ना कहीं उसमें हम भी कारण है कि हमने कभी उनको समझाया नहीं, उनको समझाने का प्रयास नहीं किया, और समझाया तो डरा धमका के समझाया कि जैसे समझाना चाहिए था वैसे नहीं समझाया, वैसे उनको नहीं पढ़ाया, कि वैसे उनको पढ़ाया होता, उनको समझाया होता कि अरे हमने तो डंडे के जोर से तुमको मंदिर जाना है, तुमको ये पढ़ना है, तुमको ये करना है, ऐसे बच्चा नहीं समझने वाला। अरे उसको जैन धर्म का महात्म्य समझाया होता, और जैन धर्म का महात्म्य कैसे समझाया जा सकता है कि पहले उनको ऐसा तो लगे कि हाँ हमारे माता पिता हमारे आदर्श हैं, उनको ऐसा तो लगे कि हाँ भैया जैन धर्म को पढ़ के हमारे माता पिता में ये चेंजेज आए हैं, हमारे माता पिता ऐसे हैं, औरों के माता पिताओं से डिफरेंट हैं, बहुत अलग हैं, बहुत अच्छे हैं औरों के माता पिता से, तो उसकी जैन धर्म रुचि जगेगी। लेकिन तुम भी भाई कह रहे हो, भाई कसाय बाप कह रहे हो, बात बातों पर कलह कह रहे हो, तो कैसे तुम्हारे बच्चों में धर्म की रुचि आ सकती है। अरे बच्चों को बैठाएं, उनको प्यार से समझाएं, उसमें कहता हूं थोड़ा यदि नहीं कमी तो डांट दिखा के भी समझाएं, तो ऐसा ही डांटते ही रहे, डांटते ही रहे, और हम स्वयं भी उसका अभ्यास करें। किसी विद्वान ने कहा, कहीं पढ़ी मैंने ये लाइन, कि जिस घर में स्वाध्याय नहीं होता वो घर शमशान के तुल्य है, जिस धर्म में आगम की चर्चा नहीं होती वो घर शमशान के तुल्य है। अब हम देखें हमारा घर शमशान है कि नहीं है, और स्वाध्याय का नाम से पढ़ना नहीं है, स्वाध्याय का नाम तो है स्वयं का अध्ययन करना, स्वाध्याय का नाम है जैसे पंडित जी ने बताया ना सुबह दिव्य दृष्टि वाले विषय में और षटमी गाथा में बताया कि भैया वो गायक भाव कैसा है उसको पहचानना, कि जो नौ तरह से बताया पंडित जी ने गायक भाव को, कि वो गया का क्या होता है और ज्ञाना क्या क्या होता है इत्यादि रूप से, तो नौ भेद बताए थे, नौ प्रकार से बताया ना पिछले दिनों में, कि शुद्ध निश्चय से कैसा है गायक भाव, ज्ञाना का रूप है कि गया का रूप है, उस गायक भाव को पहचानने का पुरुषार्थ करना उसका नाम स्वाध्याय, पढ़ने का नाम नहीं है, पढ़ के हमने सीख लिया भैया बस कि हो गया स्वाध्याय, कि उसका नाम स्वाध्याय नहीं है, उसका हम चिंतन तो करके देखें। और हमारे देखो वास्तव में यदि पहले दिन भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि जिनवाणी तो सुख का मार्ग बताने वाली है, और जिनवाणी सुख का मार्ग बताने वाली है, तुम जिनवाणी पढ़कर दुखी हो रहे हो तो तुमने जिनवाणी नहीं पढ़ी। इसलिए स्वाध्याय करें, अपने बच्चों को भी संस्कार दें। हाँ अपने बच्चों को आज म्यूजिक क्लास में भेजना चाहते हैं लेकिन मंदिर के लिए समय नहीं है, हम विचार करके देखें कि भैया आज हम यहाँ पर खड़े हैं, आज हम यहाँ बोल रहे हैं, आज मैं यहाँ बोल रहा हूं तो थे माता पिता के संस्कार हैं तो हम यहाँ बोल रहे हैं, ये बचपन में संस्कार नहीं मिले होते तो कहां से बोल लेते,
कहां से पढ़ लेते, कहां से चिंतन कर लेते, कहां से स्वाध्याय कर लेते कि बच्चों को संस्कार देने में माता पिता की भी एक, हम कहें कि माता पिता ही बहुत बड़ी कड़ी है उसके लिए। हम ये कहें क्या करें, बच्चे मानते नहीं है, मानते नहीं। अरे भैया तुमने अपने घर का आचरण, अपने घर का व्यवहार एक जनों जैसा रखा नहीं है, इसलिए तुम्हारे बच्चे नहीं मानते, इसलिए तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनते नहीं। अरे जैसे बाकी लोग हैं वो बातों बातों में कलह करने लग जाए, बातों बातों में कसाय करने लग जाए, वैसे तुम कह रहे हो तो जैन धर्म रुचि कौन करेगा कि भैया जैसे अन्य लोग हैं वैसे तुम हो, तो तुम किसके आधार पर कहोगे कि भैया जैन धर्म पढ़ो। पहले अपने आप से सुधार लाए तो वास्तव में ये घर, वो कहते हैं ना कि घर स्वर्ग तभी बन सकता है, नहीं तो नरक बना रहेगा। और यह मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ बहुत सरल ग्रंथ है, बहुत अनुपम ग्रंथ है। पंडित टोडरमल जी ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस ग्रंथ को लिखा है, और हम ऐसे निर्लज्ज हैं, ऐसे निकृष्ट जीव हैं कि उपकार को ही भूल गए। अरे उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर किसके लिए लिखा यह ग्रंथ, हमारे लिए लिखा, और हम ही नहीं पढ़े उसको, हम ही नहीं समझे उसको, तो कहां से काम चलेगा। अरे ये ग्रंथ तो प्रतिदिन पढ़ने योग्य, चिंतन करने योग्य, समझने योग्य है, इसलिए हम इसका अभ्यास करें, अपने बच्चों को भी प्रेरणा दें। देखो बच्चे, बच्चों को कुछ प्रेरणा मिलती हो अलग, तो बच्चा उस चीज को ग्रहण करता है। तो पहले तुम इस योग्य बनो कि तुम प्रेरणा बन सको अपने बच्चों की। ये तुम अपने बच्चों की प्रेरणा बनोगे तो बच्चे तुमसे सीखने का प्रयास करेंगे। कुछ भी हो, लौकिक की बात तभी सीखता है बच्चा। जैसे वो आती है ना कहानी कि भैया गुड़ छुड़वाना था, तो उसने बोला कि 7 दिन बाद आना, और 7 दिन बाद उसने कहा बच्चे से गुड़ नहीं खाना चाहिए, तो उसके माता पिता ने कहा कि भैया ये बात तो तुम 7 दिन पहले ही बता सकते थे। तो उसने कहा कि भैया 7 दिन पहले मैं ही गुड़ खाता था, मैं कैसे बोल दूं, मेरे बोलने का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो तुम खुद बात बातों में कलह करो, बात बातों में कसाय भाव करो, इस श्रावक के योग्य जो क्रियाएं हैं उनका पालन नहीं करो, अपने घर का आचरण इस श्रावक के घर जैसा नहीं करो, तो तुम्हारे बच्चे एक जैन नहीं होने वाले, कभी नहीं होने वाले जैन, क्योंकि उनको प्रेरणा ही नहीं मिल रही। उनको प्रेरणा तो मिले उनको पहले, किसके बल पर वो माने कि हाँ भैया जो तुम कह रहे हो सही है। आज हम कहें भैया हम किसी को, हमको जैन बनाना है, किसी को जैन धर्म में श्रद्धान कराना है, और तुम खुद क्रियाएं कह रहे हो ये सारी चीजें। राजेश जी बोल रहे हैं गोष्ठी के बाद में बोल देना, तो चलो बाद में ही करते हैं चर्चा को हम। अभी हम सब ने 8 कर्मों के बारे में जाना, इन 8 कर्मों के बारे में जानकर हम सुखी होने का जो उपाय है सम्यक दर्शन, उसकी प्राप्ति करें, और उसकी प्राप्ति का उपाय करने के साथ साथ वस्तु के स्वतंत्र परिणमन की स्वीकारता, सर्वज्ञ भगवान पर विश्वास, 5 समवाय का विश्वास, भवितव्यता आदि जो 5 समवाय हैं उनका विश्वास, उस सब चीजों का विश्वास करते हुए दुख